हेलो दोस्तों, नमस्ते, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंजीनियर चंदन सिंह में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीवेज, वो स्टॉर्म ड्रेनेज, इनका जो मेथड होता है पाइप इंस्टॉल करने का, एक्सकेवेशन से लेके कंप्लीट तक, इन सब का बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इसका क्या मेथड ऑफ स्टेटमेंट होता है, क्या मेथड होता है इंस्टॉल का। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला स्टेप होता है, वो होता है एक्सकेवेशन, मिट्टी की खुदाई करना, सोइल को ज़मीन से बाहर निकालना ताकि हम लोग वहाँ पे पाइप को लगा सके, फिक्स कर सके। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक्सकेवेशन करेंगे, और एक्सकेवेशन कितना करना है ये साइट पे डिपेंड करता है, ड्राइंग पे डिपेंड करता है, उसके लेवल पे डिपेंड करता है कि ज़मीन के अंदर वो कितनी गहराई पे पाइप को फिक्स करना है। तो इसके लिए हमको ड्राइंग चेक करना है, और उसके बाद जो लेवल है उसके अकॉर्डिंग हमको एक्सकेवेशन करना है, लेवल से थोड़ा सा ज़्यादा ही एक्सकेवेशन करना होता है। नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है कॉम्पैक्शन ऑफ सोइल। जो हम एक्सकेवेशन करते हैं उसके बाद हम लोग कॉम्पैक्शन करते हैं और उसको लेवलिंग करते हैं ताकि जो हमारी सोइल है, जो सरफेस है, वो एकदम लेवल हो जाए, जैसा कि आप ये पिक्चर में देख सकते हैं। थर्ड स्टेप होता है, वो होता है कॉम्पैक्शन टेस्ट। हम लोग कॉम्पैक्शन करते हैं तो उसका टेस्ट करवाना होता है ताकि हमको पता चल सके कि जो हमारा कॉम्पैक्शन है वो अच्छे से हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि अगर अच्छे से नहीं होगा तो फ्यूचर में हमको उससे प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसके लिए हमको टेस्ट कराना होता है, कॉम्पैक्शन टेस्ट, ये कंपलसरी होता है। जब भी हम लोग कॉम्पैक्शन करेंगे तो उसका टेस्ट कराना कंपलसरी होता है। फोर्थ होता है ग्रेवल। हम लोग उसके कॉम्पैक्शन का जब रिपोर्ट आ जाएगा, पास हो जाएगा कॉम्पैक्शन टेस्ट, उसके बाद हम लोग ग्रेवल करेंगे, उसमें ग्रेवल डालेंगे। ग्रेवल मीन्स कोर्स एग्रीगेट, उसके अंदर हम लोग डालेंगे। बहुत जगह पर हम लोग ग्रेवल के पहले एक सीट आती है जियो टेक्सटाइल की, हम लोग उसको भी प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद हम लोग ग्रेवल को प्रोवाइड करते हैं। बहुत जगह पे डायरेक्ट कॉम्पैक्शन के बाद ग्रेवल को हम लोग डाल देते हैं, तो ये साइट पे डिपेंड करता है। फिफ्थ पॉइंट है पाइप फिक्सिंग। हम लोग इसको पाइप फिक्सिंग कह सकते हैं, पाइप लेइंग कह सकते हैं, मीन्स हमको पाइप उसके बाद बिछाना होता है, ग्रेवल के बाद उसको बिछाते हैं, उसको हम लोग कनेक्ट करते हैं एक पाइप को दूसरे पाइप से। तो ये हमारा फिफ्थ प्रोसेस होता है, जैसा कि आप ये ड्राइंग में देख सकते हैं, ये आप पिक्चर में देख सकते हैं। नेक्स्ट है पाइप टेस्ट। उसके बाद हम लोग पाइप का टेस्टिंग करेंगे। ये टेस्टिंग होता है एयर प्रेशर से, इस टेस्टिंग को कहते हैं एयर प्रेशर टेस्ट। इसमें हम लोग वाटर से टेस्टिंग नहीं कर सकते, वाटर का टेस्टिंग हमेशा बिल्डिंग में होता है, वर्टिकल में होता है, ये हॉरिजॉन्टल पाइप का लेआउट लेइंग होता है, तो इसमें बहुत सारा हमको पानी की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए हम लोग पाइप टेस्ट करेंगे, वो भी एयर प्रेशर से। पाइप टेस्ट के बाद होता है ग्रेवल फिलिंग। पाइप हम लोग बिछा लेंगे, उसको टेस्ट कर लेंगे, उसके बाद उसमें फिर से हम लोग ग्रेवल को फिल करेंगे, और इस बार ग्रेवल को हम लोग फिल जो हमारा पाइप है, पाइप के टॉप के 5 सेंटी तक हम लोग को, और बगल में साइडों में उसमें ग्रेवल को हम लोगों को बराबर से फिक्स करना है। उसके बाद हम लोगों को बैक फिलिंग करना है। नेक्स्ट है बैक फिलिंग हमको करना है, और बैक फिलिंग हमको लेयर वाइज करना है, 200 के लेयर में, 250 के लेयर में, 150 के लेयर में, जिस हिसाब से आपके वहाँ पे है, आपको रिक्वायरमेंट जिस हिसाब से है उसको, आपको उस हिसाब से आपको लेयर वाइज बैक फिलिंग करना है। जो सबसे लास्ट प्रोसेस होता है वो होता है कॉम्पैक्शन। आपको बैक फिलिंग कर लेनी है, मैंने आपको पहले भी बताया था, आप जब भी एक्सकेवेशन करोगे या बैक फिलिंग करोगे तो कॉम्पैक्शन का ज़रूरत होता है, और जब भी कॉम्पैक्शन होगा तो हमको कॉम्पैक्शन टेस्ट करवाना अनिवार्य है, कंपलसरी है। तो जब हमारा कॉम्पैक्शन टेस्ट हो जाएगा, पास हो जाएगा, तो वो हमारा लास्ट प्रोसेस होता है। उसके बाद हमारा जो वर्क है, ड्रेनेज वर्क, सीवेज वर्क या स्टॉर्म वर्क, ये हमारा फिनिश हो जाएगा। तो
दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना ताकि आने वाली और वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।